you for such a warm welcome and thank you for this opportunity to come and meet you. बहुत अच्छा लग रहा है और इतना भरा हुआ हॉल देख के और अच्छा लग रहा है. अब मैं आप में से चाहूंगी कि चार बहे बेहद हैंडसम मैन, फोर वेरी हैंडसम मैन टू कम फॉरवर्ड. यस, नाउ आई एम गुड, थैंक यू. व्हील चेयर पे लोग मुझे अक्सर देखकर कहते हैं, कई बार जब मैं व्हील चेयर पे ऐसे ही उठा के रखी जाती हूँ, बिकॉज मोस्टली वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एज द बिगेस्ट चैलेंज. जब मैं पैरालाइज हुई थी तो यही कहा गया था कि ये तो घर में रह जाएगी, क्योंकि छाती का निचला हिस्सा बिल्कुल इसका अपंग हो चुका है. शी विल बी होम बाउंड, शी विल बी व्हील चेयर बाउंड. और बहुत लोग जब मुझे ऐसे उठाते हुए रखते हुए देखते हैं तो अक्सर कहते हैं, हाय बेचारी के साथ क्या हुआ. ऐसा लगता है चार लोग ना इसके शरीर की अर्थी उठा रहे हैं. और मैं पलट कर कहती हूँ कि क्यों, महारानियों की पालकियाँ भी तो चार लोग उठाते हैं. सो आई एम बेसिकली हेयर टू टेल यू दैट गेट अप एंड ब्रेक द स्टीरियोटाइप, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टिन्यू टू लर्न, क्योंकि ये कुछ मंत्रास हैं जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाए हैं. और क्योंकि मैंने अपनाए हैं तो इस शरीर में, इस व्हील चेयर पर बैठे हुए भी आज मैं आपके सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट एज अ टॉकर और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाई गई हूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल शोड डाउट दैट बच्चे कैसे पालेगी, दीपा तो इतना बाहर रहती थी, ये कैसे जिएगी. सो मैनी क्वेश्चंस. एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू स्टैंड अप and remove these stereotypical doubts against me, because my body was paralyzed, my soul was not paralyzed. And kadmon ko rukna manzoor na tha, raahein aur bhi to hain, tay to karna hai to kyun na hans kar, zindagi ek safar hi to hai. Ab aap usko english wala safar banaye ya hindi wala suhana safar banaye, ye aapke haath mein hai. It is all about how you make your choices. When I was in the hospital, I could have cried and cried because I was not going to walk again. But I think with all this also, and at my age, I look hot. I looked inside me, I said, Deepa, what all can you do from this body to send out a loud and clear message that there is ability beyond disability and it is all about mind over body. I started investing in happy thoughts. I think this word investing will mean a lot to you. I was ready to learn and I was ready to invest only in positivity, so I started doing that. Setting a target and setting out to achieve it by convincing people of what you have to say about your product is a huge challenge. तो आपकी ड्यूटी है समझाना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं. तो यू आर द गुरुज, यू आर द एडवाइजर्स. आफ्टर 58 नेशनल गोल्स एंड 17 इंटरनेशनल मेडल्स एट द एज ऑफ 42, विच इज द हाइएस्ट एवर एज इन एनी वन इन इंडिया, हैज गॉट एन अर्जुन अवार्ड फॉर द एक्टिव स्पोर्ट्स. मेरे फादर आर्मी से हैं, मेरे फादर इन लॉ आर्मी से हैं, माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम द आर्मी, माय ब्रदर इज़ फ्रॉम द आर्मी, एंड ऑल फोर ऑफ देम दैट डे वर वेयरिंग देयर सेरेमोनियल आउटफिट एंड छोटा मेडल गोइंग टू द प्रेसिडेंट हाउस हु इज हेड ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, नॉट बिकॉज ऑफ देयर यूनिफॉर्म बट बिकॉज ऑफ माई अर्जुन अवार्ड. और मज़े की बात यह है कि ये जो ओलंपिक का मेडल मैं आपके लिए लाई हूं, इसमें भी मेरे कोच मेरे हस्बैंड ही रहे थे. अगर मैंने मोटरसाइकिल चलाई तो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, स्विमिंग करी तो यमुना नदी पार करी, गाड़ी चलाई तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एथलीट बनी, हिंदुस्तान की पहली महिला जो पैरालंपिक्स से इंडिया के लिए एक मेडल लेकर आई है. ये मेडल जो कि इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल फ्रॉम अ वुमन इन पैरा स्पोर्ट्स.
If I can, why can't you? And what is stopping you to from not dreaming big and achieving it? Ki zindagi tumne yuddh bana kar di to kya? Zindagi tumne yuddh bana kar di to kya? Haar baan hathiyar dal dungi. Main to veerangna hu, dat kar lad kar jeet ka sang kar lungi. Zindagi tumne ret bana kar di to kya? Ise mutthi mein se fisalne dungi. Main apne aansuon se goond kar gagar bana khushiyon se bhar lungi. Zindagi tumne langdi bana ke di to kya? Ise kursi par ghisatne dungi. Main to himmat hu apne drid nischay se punah bin sahare ke chal lungi. Thank you.